मेल और उसके दादाजी पूरी सुबह चलते रहते हैं। दोपहर में वो एक मैदान के पास पहुंचते हैं और वहां रुककर वो थोड़ा आराम करते हैं और खाते हैं जो नेल लेकर आई थी अपने साथ। उसके बाद फिर से वो दोनों चलने लगते हैं। फिर रात में सोने के लिए वो दोनों एक कुटिया में रुकते हैं। वहां रुकने के लिए वो पैसे भी देते हैं। फिर दूसरी सुबह वे फिर से चलने लगते हैं और शाम होते होते एक चर्च के पास पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें दो आदमी मिलते हैं। उनमें से एक का नाम होता है टॉमी कॉटलिन और दूसरे का नाम होता है मिस्टर हैरिस। दादाजी उनसे पूछते हैं कि क्या ये कठपुतलियाँ हैं, तो टॉमी कॉटलिन बोलता है हाँ। इसके बाद हैरिस पूछता है कि आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। इसके ऊपर नेल जवाब देती है कि अभी तो काफ़ी रात होने वाली है, तो इसीलिए हम और आगे नहीं कहीं जाएंगे। तो हैरिस उससे कहता है कि अगर तुम्हें रुकना ही है तो तुम पब्लिक हाउस में रुक सकते हो, वो काफ़ी सस्ता भी है। नेल और उसके दादाजी उन दोनों आदमियों के पीछे जाते हैं पब्लिक हाउस में। वहाँ वो जाकर कठपुतली का शो देखते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। इसके बाद नेल के दादाजी सोने के लिए चले जाते हैं। वो नेल से कहते हैं कि थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाओ जब तक मैं सो नहीं जाता। नेल वहाँ पर रुक कर बैठी रहती है। उसके बाद वो सोचने लगती है कि उसके पास बहुत ही कम पैसा है, अगर ये पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे तो उसे भीख मांगना पड़ेगा। लेकिन उसके पास अभी भी एक सोने का सिक्का था उसके पर्स में। उसने सोचा कि इस सोने के सिक्के को वो बचा के रखेगी और तभी इस्तेमाल करेगी जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसीलिए वो अपने कपड़े में उस सोने के सिक्के को सिल लेती है ताकि वो कहीं खो ना जाए। एक नई सुबह होती है और नेल और उसके दादाजी जब सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी टॉमी कॉटलिन उनसे कहता है कि अगर आप दोनों चाहें तो हमारे साथ दूसरे कस्बे में चल सकते हैं, हम अभी वहीं जा रहे हैं। नेल के पास कोई और प्लान नहीं था, इसलिए वो कहती है ठीक है हम भी चलेंगे। इसके बाद वो सभी पूरा दिन चलते ही रहते हैं और आखिरकार उस कस्बे में पहुँच ही जाते हैं। जिस वक्त वो उस कस्बे में पहुंचते हैं, उस वक्त बहुत ही तेज़ बारिश होने लगी थी और वहाँ पास में ही एक पब्लिक हाउस था, इसीलिए वो सभी वहाँ रुक गए। उस जगह के किचन में एक चिमनी थी और वहाँ आग जल रही थी और नेल और उसके दादाजी वहीं पे सो गए। उस वक्त कॉटलिन और हैरिस एक दूसरे से बातें करने लगे नेल और उसके दादाजी के बारे में। हैरिस एकदम धीरे से बोलने लगा कि मुझे लगता है ये बूढ़ा आदमी पागल है और ये छोटी सी बच्ची, शायद उसे ये सब पसंद नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि ये बूढ़ा आदमी इस छोटी बच्ची को कहीं लेकर जा रहा है, और अगर ऐसी बात है तो इस बच्ची के ऊपर इनाम ज़रूर होगा। कॉटलिन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम उस इनाम के पैसे को एक दूसरे के साथ बाँटेंगे और हमें इन दोनों के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी और हमें इन दोनों के बारे में और भी जानकारियाँ इकट्ठा करनी पड़ेगी। उन दोनों आदमियों को ये बात नहीं पता चली कि नेल की नींद खुल गई थी और उसने वो सब सुन लिया था। एक नई सुबह होती है और नेल को इस बात का एहसास होता है कि हैरिस और कॉटलिन ने उसके ऊपर और उसके दादाजी के ऊपर नज़र बनाई हुई थी। नेल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए जब नेल को मौका मिला तो वो चुपके से अपने दादाजी के साथ उस पब्लिक हाउस से निकल गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़के नहीं देखा और वहाँ से भाग गई। एक तरफ नेल की ज़िंदगी इस तरीके की हो गई थी, वहीं दूसरी ओर जिस दिन नेल और उसके दादाजी अपना घर और दुकान छोड़कर आए थे, उस दिन डैनियल क्विल्प जागा और जागते ही उसने पाया कि नेल और उसके दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी, उसे तो बस इस बात की चिंता लगी हुई थी कि कहीं नेल के दादाजी कोई पैसे चुरा कर ना ले गए हों। क्विल्प ने ज़रा भी देर नहीं की और उस घर और दुकान में जो भी सामान थे उन सभी को बेच दिया। जिस दिन नेल घर छोड़कर गई थी, उस दिन रिचर्ड स्विवलर उसकी दुकान पे आया था। उसने जो प्लान बनाई थी ना,
फ्रेड के साथ मिलकर कि वो नेल के साथ दोस्ती करेगा, फिर उसके बाद उससे शादी करेगा और अमीर हो जाएगा, तो उसी इरादे से वो वहाँ आया था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि नेल वहाँ से चली गई है तो वो उदास हो गया, इसलिए क्योंकि अब उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा। डैनियल क्विल्प एक नंबर का शातिर इंसान था, उसे लोगों की तकलीफ में बहुत ही मज़ा आता था, इसलिए वो जानना चाहता था कि आखिरकार रिचर्ड स्विवलर वहाँ आया क्यों था। इसलिए उसने बातों ही बातों में रिचर्ड से जान लिया कि उसका मकसद क्या था। रिचर्ड ने बता भी दिया कि वो नेल के साथ शादी करना चाहता था और उसकी सारी पैसे हड़पना चाहता था ताकि वो और फ्रेड मिलकर उसे खर्च कर सके और अमीर हो जाए। लेकिन डैनियल क्विल्प को ये बात पता थी कि दादाजी के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थे। लेकिन उसने ये बात रिचर्ड को नहीं बताई, वो तो बस मज़े लेना चाहता था कि जब फ्रेड और रिचर्ड को ये बात पता चलेगी कि वो बूढ़ा आदमी कितना गरीब है तो वो हंसेगा उन दोनों के ऊपर। डैनियल क्विल्प ने रिचर्ड से कहा कि अरे वाह, कितना अच्छा प्लान तुम लोगों ने बनाया है। हाँ ज़रूर, तुम दोनों अमीर ज़रूर होगे। चलो हम फ्रेड के पास चलते हैं और उसके बाद मैं तुम दोनों की मदद करूँगा नेल को ढूँढने में। वहाँ पे किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि नेल और उसके दादाजी कहीं चले गए हैं, सिर्फ एक इंसान था जिसे बहुत ज़्यादा दुख था और वो था कैट। उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, वो बस आशा कर रहा था कि कुछ दिनों में वो दोनों वापस आ जाएं और उसके घर पे रहने के लिए तैयार भी हो जाएं। कैट काम तो करता था नेल के दादाजी के दुकान पे ही, तो अब वो तो थे ही नहीं, तो उसे नया काम ढूंढना पड़ता। वो सड़क पे यहाँ से वहाँ घूमता रहता काम की तलाश में, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद ठीक इसी तरीके से किट सड़क के ऊपर था और काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तभी उसके सामने से एक घोड़ा गाड़ी गुजरी। उसका जो घोड़ा था वो काफ़ी ज़िद्दी नज़र आ रहा था। उस घोड़ा गाड़ी को चलाने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था और उसके बगल में एक औरत बैठी हुई थी, बूढ़ी औरत, और पीछे वाली सीट में एक लड़का बैठा हुआ था जो शायद उन दोनों का बेटा था। उस बूढ़े आदमी ने बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी को एक घर के सामने रोका और वो तीनों उतर गए। कैट उनके पास गया और उनसे कहा कि सर, अगर आप बूढ़ा ना माने तो क्या मैं आपके घोड़े का ध्यान रख सकता हूँ? उस बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम यहाँ कुछ देर इंतज़ार करो तो। इसके बाद वो तीनों उस घर के अंदर चले गए। कुछ देर के बाद वो तीनों घर से बाहर आए। उस बूढ़े आदमी ने अपनी जेब के अंदर हाथ डाली, वो 6 पेंस किट को देना चाहता था, लेकिन उसके जेब में 1 शिलिंग थी। शिलिंग पेंस से बड़ी होती है। उस बूढ़े आदमी को लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही पैसे हैं, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था क्योंकि उसके पास 1 शिलिंग का ही कॉइन था, इसीलिए उसने वो किट को दे दिया और उससे कहा कि अगले सोमवार को मैं यहाँ फिर से आऊँगा, इसी समय तुम यहीं पे रहना। किट ने उससे कहा, धन्यवाद, मैं यहीं पे रहूँगा सर। इस बात के ऊपर वो तीनों हंसने लगे क्योंकि उन्हें लगा था कि अब किट वापस नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सोमवार का दिन फिर से आ गया और किट ठीक उसी समय उसी जगह पे खड़ा था और थोड़ी देर के बाद फिर से वो घोड़ा गाड़ी वहाँ आई। उस बूढ़े आदमी ने जैसे ही किट को देखा तो वो ज़ोर से बोला कि देखो, वो लड़का सच में यहाँ आ गया। वो तीनों गाड़ी से उतरे और फिर से उसी घर के अंदर चले गए। कुछ देर के बाद जब वो वापस आए तो वो बूढ़ा आदमी किट के पास आया। उसने बताया कि उसका नाम है मिस्टर गारलैंड। मिस्टर गारलैंड ने बहुत सारी सवाले की किट से। इसके बाद उन्होंने किट का पता एक पेपर के ऊपर लिख लिया। इसके बाद मिस्टर गारलैंड, उनकी वाइफ और उनका बेटा घोड़ा गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और वहाँ से चले गए।
किट को वहाँ से अपने घर जाने में आधे घंटे लग गए। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने वही घोड़ा गाड़ी खड़ी थी और अंदर मिस्टर गार्लैंड और उनकी वाइफ उसकी माँ से बातें कर रहे थे। किट जब वहाँ गया तो उसे पता चला कि मिस्टर गार्लैंड किट को नौकरी देना चाह रहे थे। काम करने के लिए किट को मिस्टर गार्लैंड और मिसेस गार्लैंड के घर पे रहना था और सैलरी के रूप में वो दोनों उसे 6 पाउंड हर साल देंगे। कुछ देर के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। किट अपनी माँ से कहता है कि माँ, अब हमें पैसों की कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। 2 दिन के बाद किट नए कपड़े पहन के मिस्टर गार्लैंड और मिसेस गार्लैंड के खूबसूरत घर पे जाता है। वो गेट खटखटाता है, अंदर से एक लड़की दरवाज़ा खोलती है, वो भी वहाँ काम करती है। उसने किट से कहा कि शायद आप किट होंगे, मेरा नाम है बारबरा। इसके बाद दोनों एक दूसरे को शर्माते हुए देखते हैं और मुस्कुराते हैं। वहीं दूसरी ओर नेल और उसके दादाजी उन दोनों आदमियों से काफ़ी दूर आ गए, जो कठपुतली का खेल दिखाते थे ना, उनसे काफ़ी दूर निकल गए और काफ़ी घंटों तक वो चलते चलते एक गांव में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्हें एक स्कूल टीचर नज़र आई, उनका नाम था मिस्टर मार्टिन। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। नेल ने बस उनसे इतना पूछा था कि यहाँ कहीं पे आसपास रहने की जगह है, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों मेरे यहाँ रुक जाइए। नेल और उसके दादाजी वहाँ रुक गए, लेकिन जब सुबह हुई तो मिस्टर मार्टिन ने उन दोनों से कहा कि आप दोनों चाहो तो कुछ दिन और यहाँ रुक सकते हो। नेल और उसके दादाजी मान गए और नेल और उसके दादाजी वहाँ 2 दिन और वहाँ रुके थे। मिस्टर मार्टिन थे तो एक टीचर ही, तो उनके घर पे जब बच्चे आते थे पढ़ने के लिए तो नेल काफ़ी ध्यान से सुना करती थी। थोड़ी दिनों में उन दोनों का समय आ गया वहाँ से जाने का, तो वो वहाँ से निकल गए और फिर से उनका चलना शुरू हो गया। वे चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए थे और काफ़ी रात हो गई, लेकिन उन्हें रास्ते में कोई भी गांव, कोई भी कस्बा नहीं दिखा, जिस वजह से नेल काफ़ी परेशान हो गई। लेकिन रोड के ऊपर उसे एक कैरेवैन दिखा, कैरेवैन का मतलब एक चलता फिरता घर, वो दिखा। वहाँ पे एक लेडी थी, बैठी हुई थी, चाय पी रही थी। नेल उनके पास गई और उनसे पूछा कि क्या आपको पता है कि अगला कस्बा कितनी दूरी पे है। उस औरत ने बताया कि यहाँ से 8 मील दूर है। नेल ने कहा ये तो काफ़ी दूर हो गई ना, तो उस औरत ने काफ़ी गौर से नेल को देखा, उसके बाद कहा कि क्या तुम भूखी हो, कुछ खाओगी। उसके बाद नेल और उसके दादाजी ने कुछ खाया वहाँ पे और फिर उन सब के बीच में बातें हुई। फिर उस औरत ने नेल और उसके दादाजी से कहा कि आप दोनों चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो, हम सभी भी दूसरे कस्बे में जा रहे हैं। नेल ने उनका धन्यवाद कहा और वो उस कैरेवैन में चढ़ गई। कुछ ही देर में वो कैरेवैन चलने लगा और नेल ने देखा कि उस कैरेवैन के अंदर एक किचन भी था और सोने की अलग जगह भी थी। कुछ देर के बाद वो औरत नेल के पास आती है, उनके हाथों में एक बड़ा सा पेपर था, वो उसे खोलती है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, उसे नेल ने पढ़ा। उस पर लिखा था जार्लीज वैक्स वर्क्स। वो औरत बताती है कि उनका नाम मिसेस जार्ली है और वो मोम की कलाकृतियाँ बनाती हैं। उन्होंने बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई हैं, लगभग 100। नेल को बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुई, उसने उनसे पूछा कि क्या मैं उन कलाकृतियों को देख सकती हूँ। तो मिसेस जार्ली ने कहा कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम देख सकती हो। जब हमारा कैरेवैन उस अगले कस्बे में पहुंचेगा तो तुम वहां देख लेना, क्योंकि जितनी भी स्टैचूज हैं वो दूसरे कैरेवैन में वहां दूसरे कस्बे में ले जाई गई हैं। नेल ने उनसे कहा कि मुझे नहीं पता कि हम वहां ज़्यादा देर रुकेंगे कि नहीं। तो मिसेस जाले ने पूछा क्यों, ऐसा क्यों, तुम जा कहां रही हो। तो नेल ने कहा कि मुझे नहीं पता कहां जा रहे हैं। तो मिसेस जाले ने कहा कि क्या तुम भिखारी हो। अब नेल क्या कहती, उसने कहा कि शायद हाँ हम भिखारी ही हैं। मिसेस जाले ने कहा ओहो। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन तुम पढ़ तो सकती हो और शायद लिख भी सकती हो। नेल ने कहा हाँ, उसे पढ़ना भी आता है और लिखना भी आता है। फिर मिसेस जाले ने कहा
ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे खुद लिखना नहीं आता है। फिर मिसेस जार्ली कुछ सोचने लगी। उसके बाद उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे लिए काम करना पसंद करोगी? मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। नेल ने कहा, लेकिन मैं अपने दादाजी को छोड़ नहीं सकती हूँ। फिर मिसेस जार्ली कुछ सोचने लगी। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब लोग प्रदर्शनी में आए तो तुम मेरी कलाकृतियों के बारे में उन लोगों को बताओ, और तुम मेरी मदद भी कर देना कभी कभी पत्र लिखने में। और तुम्हारे दादाजी वो कलाकृतियों की देखरेख करने में मदद कर सकते हैं और उन्हें साफ़ रखने में मदद कर सकते हैं। मैं तुम्हें खाना भी दूंगी, सोने का जगह भी दूंगी और तुम्हें पैसे भी दूंगी। नेल काफ़ी खुश हो गई और उसने कहा, हाँ ठीक है, मैं ये काम करूंगी। लगभग आधी रात को वो लोग दूसरे कस्बे में आखिरकार पहुँच ही गए, और वहाँ पर दूसरे कैरेवैंस भी थे। मिसेस जाले ने कहा था कि उसमें से एक कैरेवैन खाली है, तो उसमें नेल के दादाजी सो सकते हैं और नेल उनके साथ उनके वाले कैरेवैन में सो सकती हैं। नेल अपने दादाजी को उनके वाले कैरेवैन में, जहां वो सोने वाले थे, वहां उन्हें छोड़ने जाती है। फिर जब वो छोड़कर दूसरे वाले कैरेवैन में आ रही होती है, तभी वो देखती है कि रोड के ऊपर कुछ था जो हिल रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि वहाँ से कोई इंसान था जो आ रहा था। जब नेल ने बड़ी गौर से देखा तो उसे पता चला वो कोई और नहीं, डैनियल कुल्प था। नेल बिना कुछ सोचे एकदम जल्दी से कहीं अंधेरे में छिप गई, और उसने देखा कि कुल्प वहाँ से चला गया, लेकिन उसने नेल को नहीं देखा था। इसके बाद उस रात नेल को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो बस यही सोच रही थी कि कुल्प वहाँ कर क्या रहा था। एक नया दिन होता है, और उस दिन मिसेस शार्ले के जितने भी मोम के पुतले थे उनकी प्रदर्शनी लगने वाली थी। तो नेल और उसके दादाजी मिसेस शार्ले की मदद करते हैं उसकी तैयारी करने के लिए। एग्जीबिशन एक हॉल में लगने वाली थी। उस दिन मिसेस शार्ले ने घंटों तक नेल को जितने भी मोम के पुतले थे उनके नाम बताए, और उनके बारे में जितनी भी बातें थी वो सब बताई, ताकि नेल लोगों के पास जा जाकर उनके बारे में उन्हें बता सकें। दिन बहुत ही अच्छा गया और बहुत सारे लोग उस एग्जीबिशन में आए। नेल को भी काफ़ी अच्छा लगा, उसे बहुत ही खुशी हो रही थी कि अब उसके पास काम है करने को और वो सुरक्षित कहीं पे सो सकती है। लेकिन बार बार उसके मन में क्विल्प का ख्याल आ रहा था कि आखिरकार वो इस कस्बे में कर क्या रहा था, कहीं वो उसे यानी कि नेल को उसके दादाजी से दूर करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। बस यही सब नेल के दिमाग में आ रहा था। नेल और उसके दादाजी कई दिनों तक मिसेस जार्ली के लिए काम करते रहे। तो मिसेस जार्ली ने एक दिन उन दोनों को काम से छुट्टी दे दी, तो उन दोनों ने सोचा कि कहीं घूमने चलते हैं, तो इसीलिए वो दोनों आसपास घूमने के लिए चले गए। उस दिन उन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। घूमते घूमते शाम का समय हो गया था, और उस वक्त तक काफ़ी तेज़ बारिश भी होने लगी। तो बारिश से बचने के लिए वो दोनों एक पब के अंदर चले गए। वहाँ जाने के बाद वो दोनों बैठे आग के पास, तभी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दूसरे रूम से आवाज़ आ रही थी, बहुत सारे आदमियों की आवाज़ आ रही थी। तभी नेल के दादाजी उसके पास आए और उसे एकदम धीरे से कहा कि दूसरे रूम में जो आवाज़ें आ रही हैं ना, उसमें लोग ताश खेल रहे हैं। तुमने सुना ना, वो ताश खेल रहे हैं। और उसके दादाजी सही कह रहे थे, दूसरे रूम में जितने भी आदमी थे वो सभी ताश खेल रहे थे और आवाज़ें आ रही थी। नेल को काफ़ी घबराहट होने लगी, क्योंकि उन आवाज़ों को सुनकर नेल के दादाजी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, उनका चेहरा लाल हो गया था, और नेल को समझ में आ गया कि उसके दादाजी एकदम से बदल गए हैं। फिर वो बोलने लगे, मुझे पता था नेल, मुझे एक ना एक दिन मौका ज़रूर मिलेगा बहुत सारे पैसे कमाने का, और आज वो मौका है, आ ही गया वो मौका। अब जल्दी से मुझे पैसे दो, मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे हैं, कल मैंने देखा था तुमने पैसे रखे थे, चलो दो मुझे। नेल ने कहा कि नहीं दादाजी, मैं वो नहीं दे सकती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी।
नेल के दादा एकदम गुस्से में आ गए और उसे बोला कि दो मुझे वो पैसे। नेल रोने लगी। नेल के दादाजी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, मैं तो ये तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा भविष्य अच्छा हो सके। अब चलो मुझे वो पैसे दो। नेल क्या करती, उसे देना पड़ा और उसने वो पैसे दे दिए। नेल के दादाजी ने वो पैसे लिए और उस रूम के अंदर चले गए। नेल भी उनके पीछे पीछे आई। वहाँ पे दो आदमी बैठे हुए थे जो पत्ते खेल रहे थे। वो दोनों दादाजी को खेलने नहीं देने वाले थे, लेकिन दादाजी ने उन दोनों को मना लिया कि मुझे भी खेलने दो। और फिर दादाजी भी उन सब के साथ बैठ गए और फिर खेलने लगे। नेल ने अपने दादाजी को देखा, किसी पल वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते, किसी पल वो एकदम उदास हो जाते, फिर किसी पल खुश हो जाते, फिर उदास हो जाते। नेल बहुत ही ज़्यादा डर गई और उसे ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई कि उसके दादाजी को पत्ते खेलने की लत लग गई है। उसके बाद होना क्या था, कई घंटों के बाद उसके दादाजी सब कुछ हार जाते हैं, सारे पैसे जो भी नेल ने दिए थे वो सब हार जाते हैं और फिर उदास बैठे रहते हैं और फिर कहते हैं कि अगर हम कुछ और देर खेलते तो शायद मैं जीत जाता। पर अब नेल कहती ही क्या, उसने कुछ भी नहीं कहा, उसके पास अब पैसे नहीं थे। फिर अचानक उसे याद आया कि उसने एक सोने का सिक्का अपने कपड़े में सिलकर रखा था, तो उसने इस बारे में अपने दादाजी को बताया और उनसे कहा कि हम उस सोने के सिक्के को देकर यहाँ आज रात रुक जाते हैं। नेल ने उस सोने के सिक्के को वहाँ के मालिक को दिया ताकि उन दोनों को रहने के लिए रूम मिल सके। वहाँ के मालिक ने दोनों कमरे के पैसे काटकर नेल को जितने पैसे बचे वो वापस दे दिए। इसके बाद नेल और उसके दादाजी अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। नेल अपने रूम में सो रही थी, अचानक उसकी नींद खुल जाती है। रूम में अंधेरा था लेकिन तब भी उसने देखा कि उसके रूम में कोई आया था। नेल चीखना चाहती थी लेकिन वो काफ़ी डरी हुई थी। वो जो भी था उसके रूम में आकर कुछ ढूंढ रहा था और कुछ देर के बाद नेल ने देखा कि वो इंसान उसके रूम से चला गया। उसने देखा कि वो जो भी इंसान था धीरे से उसके दादाजी के कमरे में गया। नेल काफ़ी डरी हुई थी इसीलिए वो चुपचाप अपने बिस्तर से उठी और अपने दादाजी के कमरे के पास गई। उसने देखा कि उसके दादाजी तो बिस्तर पे हैं ही नहीं, उसके दादाजी एक टेबल के पास बैठे हुए थे और वो बैठकर पैसे गिन रहे थे। यानी कि अब भी जो नेल के रूम में आया था वो कोई और नहीं, उसके दादाजी थे। वो नेल के रूम में पैसे चुराने के लिए आए थे, उन्होंने अपनी ही पोती के रूम से पैसे चुराए थे और वही गिन रहे थे। नेल को विश्वास नहीं हो रहा था। वो क्या करती, वो अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसे नींद तो आ ही नहीं रही थी, वो एकदम परेशान थी। दूसरे दिन नेल और उसके दादाजी मिसेज आर्ली के जो कैरेवैन थे वहाँ वापस लौट जाते हैं। नेल अपने दादाजी को बताती है कि किसी ने रात में उसके पैसे चुरा लिए हैं। दादाजी ने नेल से कहा, लेकिन हमारे पास और भी तो पैसे हैं ना। नेल को अब कोई भी उम्मीद नहीं थी, अब वो कर ही क्या सकती थी। उस रात फिर से उसके दादाजी चुपचाप पत्ते खेलने चले गए और सब कुछ हार कर चले आए। ऐसे ही दिन बीतता रहा और वो हमेशा नेल के पास आते थे पैसे मांगने के लिए। नेल ने धीरे धीरे सारे पैसे उन्हें दे दिए क्योंकि नेल को बहुत ही ज़्यादा फिक्र थी कि अगर वो अपने दादाजी को पैसे नहीं देगी तो उसके दादाजी मिसेज जार्ली के पैसे चुरा लेंगे।